दिख रहा तुम्हारा लेकिन भाई साहब थोड़ा सा बाहर दिखेगा। नहीं सुनो, ये बाहर 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 आ रहा, सुनो सभी देख रहे हैं। सुनो हटा दो सर, कोई दिक्कत नहीं, आउट माइक ले लो। ये अलग है, लग रहा है पड़ा रहने, कोई दिक्कत नहीं। सर मादक पदार्थों के खिलाफ आज कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई है, कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? देखिए, करौली पुलिस ने जो नया साल स्टार्ट हुआ उसके अंदर मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हमने एक मुहिम चलाई है। इसके तहत कल हिंडौन नई मंडी थाना अधिकारी ने सनोज मीना, जो खलीपुरा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर उससे कब्जे से 260 ग्राम स्मैक बरामद किए। ये बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर जो बरामदगी हुई है, और मैं समझता हूँ ये जो अपराधी है इसमें पूर्व में भी दो एनडीपीएस के मुकदमे और एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हो रखा है, और रहने वाला फेलीपुरा सदर हिंडौन का रहने वाला है। गंगापुर सिटी के अंदर रह के अपने ऑपरेट करता है, वहाँ से माल 12 से लाके पैकेट बना के अपने गिरोह के थ्रू यहाँ हिंडौन एरिया और महावीर जी और केला देवी और सपोर्ट रहा है, इवन पूरे करौली के अंदर ये अपने सप्लाई करता है। एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। मैं समझता हूँ इससे और भी जो मुलजिम इसमें वांटेड है, जिसे हम हमारी जो टीम है कंटिन्यूसली उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, और एक अच्छी बरामदगी हुई है। ये एक अच्छा एक्शन रहेगा करौली पुलिस का, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों के ऊपर अंकुश लगाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। इसकी मार्केट वैल्यू क्या है सर? 260 ग्राम जो है इसकी मार्केट वैल्यू करीब 26 लाख रुपए के करीब आंकी जाती है। ये कहां से लेकर आते थे, क्या कोई रैकेट का पता चला है पूछताछ में? इससे अभी प्रारंभिक पूछताछ के अंदर इसने बताया कि कोई रमेश नाम का व्यक्ति है जो बारा का रहने वाला, उससे ये सप्लाई मंगवाते हैं और गंगापुर सिटी में ये रहकर वहाँ से अपने गिरोह को संचालित करते हुए करौली के अंदर सप्लाई करता है। जी, इसके जो ये मेन माफिया है, इसका भी कोई मतलब आती है इसके ऊपर और भी कोई हो सकता है? इसका जो सप्लायर है उसको हमने नामजद किया, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये और इसका जो गिरोह है, जो यहाँ इसका गिरोह कौन है, इसका भुआ का लड़का है जी, उसको मेन रूप से ये सप्लाई करता है, वो आगे करौली के अंदर जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस पूरे गुरे का खुलासा इसके दौरान तफ्तीश हम पूरी प्रयास करेंगे, इससे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हर व्यक्ति जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सर एक चीज़ पूछनी थी, इसकी जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ये क्या ऊपर नीचे होती रहती है इसकी भी? इसकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है क्या? होती रहती है। नहीं, पूर्व में जब यहाँ नई मंडी थाना प्रभारी थे गंगा सिंह, उस समय 250 ग्राम इसमें उस समय हमको कीमत बताई गई थी प्रेस मीट में 50 लाख रुपये, अब 260 है। अब उसकी कीमत उल्टा कम हो रही थी, 26 लाख आपने बताया ना, 26 लाख वो मतलब बहुत जैसे दुकानदार के ऊपर वो कितने देते। सर ग्रामीण एरिया में जो इसका बहुत प्रचलन चल रहा है अपने, जैसे सूरत थाना है, महावीर जी में भी दो व्यक्ति पकड़े हैं, उनमें से भी तो पर सर वो प्रेस सूरत थाना एरिया की बता रहा हूँ, मंडी वो महावीर जी महावीर थाने से 10 ग्राम की है अलग से, महावीर जी का। सर एक क्वेश्चन और था, बताएं सर। मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करौली पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। हिंडौन नई मंडी थाना अधिकारी ने एक व्यक्ति सनोज नाम के व्यक्ति जो खलीपुरा का रहने वाला, उसके कब्जे से 260 ग्राम स्मैक बरामद किए, जिसके बाजारी मूल्य। इसी प्रकार महावीर जी थाना अधिकारी द्वारा कार्रवाई करते हुए
दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से एक के कब्जे से करीब 6 ग्राम और एक के कब्जे से 5 ग्राम स्मैक बरामद किए। कल एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई मादक पदार्थों के खिलाफ। मैं सब मादक पदार्थों से फ्री कैसा हो इस पे लगातार हमारी पुलिस कार्रवाई करती रही। इसकी कीमत कितनी मान जाए कुल बाजारी कीमत जिस प्रकार से आकलन कर रहे हैं करीब 26-1 लाख रुपए माने जाते हैं। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे पुलिस क्राइम को लेकर के हमेशा जीरो टॉलरेंस पर लाने की बात करती है, हमने देखा है अधिकतर के जिला एसपी के बतौर जो भी आते हैं वो हर संभव प्रयास करते हैं कि क्राइम को जीरो टॉलरेंस पर लाया जाए, मगर जैसे कि आज के दौर में बात करें कि सट्टे की खाई वाली करने वाले जो लोग हैं वो बच्चों को उस धंधे में धकेल रहे हैं। अब जिला एसपी ज्वाइन करते हैं तो अच्छी कार्रवाई होती है, मगर 2 दिन के बाद में ऐसा क्या हो जाता है कि वापस में वो धंधे चालू हो जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए जितने भी अपराध हैं उसके ऊपर हमारे थाने व जिला लेवल की स्पेशल टीम लगातार कार्रवाई करती रहती है। पिछली बार जो जिले के अंदर जुए की जो कार्रवाई हुई है उससे 2021 के दरमियान जो हुई है उससे काफ़ी बढ़कर संख्या है, तो और अपराध का जो होना है वो लगातार जो अपराधी है अपना तरीका बदल के करते रहते हैं, परंतु पुलिस लगातार उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करती रहती है। पिछली बार भी हमारी जुए के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। जैसे कि सर बच्चों को सट्टे की खाई वाली करने वाले धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को अपने पास रखते हैं जो नाबालिग हैं, उनके लिए कोई विशेष अभियान? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सट्टा जो है सामाजिक बुराई है, समाज का ही बड़ा योगदान अगर पुलिस को अगर रहेगा तो इस बुराई के ऊपर हम पूर्णतः अंकुश लगाने में कामयाब होंगे। सर वो जो आरोपी पकड़े हैं ना तो उनको साथ में फोटो एक बार खिंचवा ले, फोटो उनका। हाँ हाँ, उधर बैठा के कहीं फोटो लेनी है ले लो। हाँ हाँ सर, जो अपने एसपी साहब हैं वाकई में काबिल तारीफ है, उन्होंने जो कार्रवाई की है और उन्होंने जो हमारे मीडिया कर्मियों ने काफ़ी प्रश्न उनसे पूछे उनका जवाब उन्होंने सटीक दिया और जितनी बड़ी कार्रवाई है करौली में सबसे बड़ी कार्रवाई है स्मैक की। अपराधी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। इधर बैठा दो। थोड़े पीछे हो जाओ ना, पीछे काफी क्लियरिटी आ रही है ना। आप लोग ऊपर आ जाओ, आप लोग ऊपर आ जाओ। और नीचे ले लेते हैं 1000 यार, नीचे ले लेते हैं। ले चंडी बैठे हैं, ऊपर नहीं बैठे सर वो मनीष चंडी की। हाँ हो गया सर।